वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज बिजनेस एथिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नीड टू बी बिहेव एथिकली बाय इंडियन मैनेजर, कि जो इंडियन मैनेजर हैं उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने में। देखो, बिजनेस एथिक्स को हम फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली वो हमें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को जैसे हमने बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ा था कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बोलो, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। और इसका हमने एक शॉर्टकट भी पढ़ा था, पैक लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है, PEG, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। तो उसी रेफरेंस में हम ये देख रहे हैं कि यदि इंडियन मैनेजर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, उसको डेवलप करना पड़ेगा सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ बिलीव्स को, जो मैनेजर को हेल्प करेंगे किसको, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जैसे हमने डिस्कस किए क्या थे, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें, जो हमने पुरानी वीडियो भी पढ़ी हैं वहाँ पर हमने देखा था कि जो भगवद गीता है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस के कंसर्न में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जैसे पहला ऑब्जेक्टिव था अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की भगवद्गीता ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमें बताती है। जैसे मैंने आपको बताया था कौरवों ने और पांडवों ने जब महाभारत के अंदर युद्ध किया था तो दोनों ने ही अपने जो रिसोर्सेज थे उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया था, लेकिन जो अर्जुन जी थे उन्होंने श्री कृष्ण जी का साथ लिया था, तो उन्होंने जो यूटिलाइजेशन किया था रिसोर्सेज का उन्होंने टैक्टफुली यूटिलाइजेशन किया था, और जो कौरव थे उन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया था। तो मैनेजमेंट की मीनिंग ही यही है, मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली, कि हमें रिसोर्सेज को टैक्टफुली यूटिलाइज करना है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। दूसरा क्या है, ए गुड एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क तब होगा जब मैनेजर क्या होगा, विजनरी परस्पेक्टिव का होगा। विजनरी आपने पढ़ा था, मिशन विजन पढ़े हुए थे। तो विजनरी परस्पेक्टिव क्या होता है, जो एक डेवलप करता है सेंस का, जो हमें फ्यूचर में जो काम करने हैं उनको हम कैसे अचीव करें, ये आपका है, क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हमारे गोल्स होंगे, वो विजन्स के अंदर आता है जो हमारा लॉन्ग टर्म से एसोसिएटेड होता है। तो एक गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क का मतलब ये हुआ कि ये हमारी विजनरी अप्रोच को डेवलप करता है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट कमिटमेंट ऑफ वर्क। वर्क कमिटमेंट से जैसे आपको पता ही है, वर्क कमिटमेंट का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम दृढ़ निश्चय से करें, हम उसमें जब हम अपना एफर्ट कर रहे हों तो हम उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं छोड़ें, हमने वर्क को पूरा अच्छे से करें। नेक्स्ट है अपना लॉन्ग टर्म विज़न। लॉन्ग टर्म विज़न जो अपना है वो एक गुड एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क का ही पार्ट है। लॉन्ग टर्म विज़न इन द सेंस ये है कि जो मैनेजर है उनका विज़न क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और जो विज़न होगा वो क्या होगा, मस्ट भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब जो हम एट प्रेजेंट, हमने सोच तो लिया कि हमें काम करना है पर वो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर यूज़ में नहीं ला सकते हम, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, जो टाइम के साथ साथ हम उसको मॉडिफाई कर सकें। कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, कि हम हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करें ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। फिर हम कुछ चीज़ें, जब हमारी विजनरी अप्रोच होगी तो हम मूव करेंगे फ्रॉम स्टेट ऑफ इनर्टिया टू स्टेट ऑफ राइट एक्शन, कि हमें सही और गलत की पहचान होगी। इसके अलावा हम मूव करेंगे स्टेट ऑफ फेथफुलनेस टू स्टेट ऑफ फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा डेवलप होगा। इसके अलावा हम अनएथिकल से एथिकल एक्शन के में भी आएंगे, मूव फ्रॉम अनएथिकल एक्शन टू एथिकल एक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं जहाँ पे हम गलत थे वो अप्रोच हमारी सुधरेगी, और हम जो अनट्रुथ से ट्रुथ का हम सामना करेंगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जो एक सच को छुपाने के लिए हमें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ये बात आप यदि अपने बिहेव में देखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो हमें बिजनेस एथिक्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स के फेस करते समय हमें
बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, ये नहीं कि हमें भूल जाना है। तो इस टॉपिक के अंदर एथिकल वैल्यू फॉर इंडियन मैनेजर के अंदर हम एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने बताया था कि रिसोर्सेज का टैक्टफुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ए गुड एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क, कि वर्क के लिए हमारा क्या होना चाहिए एटीट्यूड, विजनरी पर्सपेक्टिव का होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा वर्क कमिटमेंट, कि वर्किंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग में हम अपना अपना मैक्सिमम दें। लॉन्ग टर्म विजनर विज़न, ये तो है ही आपका विजनरी अप्रोच होगी। तो विज़न जो है आपका, मैंने आपको बताया था मिशन और विज़न होते हैं, जो मिशन एम से शुरू होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है, शॉर्ट टर्म होता है, और जो विज़न होता है वो वी से शुरू होता है, अल्फ़ाबेटिकल एंड में आता है, इसलिए लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। जब लॉन्ग टर्म विज़न होगा तो ऑटोमेटिकली हम राइट एक्शन करेंगे, हम फेथ और जो अपना फिफ्थ पॉइंट राइट एक्शन करेंगे, हम फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएंगे, और एथिकल एक्शंस भी हमारे सुधरेंगे, और हम अनट्रुथ से ट्रुथ की तरफ आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें हमें एक मैनेजर होते हुए हमें फॉलो करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नीड टू बी बिहेव एथिकली इन इंडियन मैनेजर के अंदर कुछ और बातों का। जैसे हम देखें, फर्स्ट पॉइंट है टू विन द ट्रुथ ऑफ हिज और हर जूनियर और कलीग्स एंड ऑल्सो ऑफ सीनियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी अपने कलीग्स हैं, जो भी अपने सीनियर हैं, हम जब मैनेजर वर्क करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कलीग और जूनियर को और सीनियर को उसके ऊपर क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। वो तभी होगा जब वो एथिकल अप्रोच रखेगा। इसके अलावा टू एंश्योर दैट नन ऑफ हिज हर एक्शन आर इन हिज हर ऑफ हेल्थ सेल्फ इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप पहले अपने इंटरेस्ट को बाद में रखेंगे, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही फोकस करना है पहले। ऑर्गेनाइजेशन यदि का इंटरेस्ट यदि पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट भी पूरा हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट टू बिहेव इन ए फेयर मैनर विदाउट प्रिजुडिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा, सो ऑन टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट फॉर द सेट ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम काम करेंगे तो हमारा वर्क क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू का मतलब आपको पता ही है सबका, हमारे ऊपर प्रश्न होना चाहिए। फेयर का मतलब ये होना चाहिए कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, और हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम दें किसी वर्क को पूरा करने में। नेक्स्ट है अपना टू अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग अनएथिकल शॉर्टकट फॉर शॉर्ट टर्म गेन एंड टू वर्क फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ा था कि सक्सेस जो हमें बिजनेस के अंदर अचीव करनी है, मतलब अपने गोल जब अचीव करने हैं, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट जहाँ होता है वहाँ सक्सेस नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी भी क्या बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म बनानी होगी। यदि हम कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी से उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होगी। वो गोल हम अचीव भी कर सकते हैं और अचीव नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तो हमारे हाथ में क्या है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देना। तो हम परफॉर्मेंस जो चीज़ हमारे हाथ में, हम उसको तो सुधार सकते हैं, बल्कि जो आपका रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यदि हम अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो कहने का मतलब आपने देखा कि जो हमने ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े थे एथिकल्स के फॉर मैनेजर के लिए, एथिक्स फॉर एथिकल वैल्यू फॉर मैनेजर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी काम आते हैं जब मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि मैनेजर का बिहेव एथिकली होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट करने चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, विजनरी अप्रोच होनी चाहिए, एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना चाहिए, और हमें कॉन्फिडेंशली अपनी परफॉर्मेंस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर एथिक्स एंड मैनेजर्स को हमने समझा। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।